भिंड कलेक्टर सतीश कुमार व नवागत एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान शुक्रवार को दबोह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर दबोह थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया पर पहुंचकर नाके का निरीक्षण किया। वहां पहुंचकर उन्होंने नाका बनाने एवं वाहन चेकिंग को लेकर मौका मुआयना किया। वहीं भिंड कलेक्टर ने आगामी चुनाव के चलते आम जनता से शांति बनाए रखने व आगे आकर वोट करने की अपील की है। इस दौरान भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस नवागत एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान एसडीओपी लहार अवनीश बंसल एसडीएम आर ए प्रजापति थाना प्रभारी लहार समेत थाना दबोह पुलिस मौके पर मौजूद रही। टीम भारती न्यूज। दबोह पहुंचे हैं, क्या कुछ इलेक्शन के जो सानी इलेक्शन है तो पहले चरण में लहार और रोंड क्षेत्र में जो अभी शेड्यूल आए हैं उसके तहत जो बॉर्डर नाकास जो अलग अलग जगह में बनेंगे जिसमें जो वाहनों का जो चेकिंग है आर्म्स के संबंध में चेकिंग है और एक्साइज के संबंध में चेकिंग है और बाकी चीज़ का जो आवागमन का जो क्लोज वॉच रखने के लिए नाकास इस्टेब्लिश करना है और उसके लिए तैयारी को देखते हुए यहाँ आए। सर चुनाव को लेकर और क्या तैयारियाँ हैं? चुनाव के लेकर आपको पता है कि यहाँ नाम निर्देशन पत्र लेने का जो कार्रवाई सभी जगहों में चल रहा है और ये 21 तारीख तक ऐसा अपना शेड्यूल है उसके तहत नाम निर्देशन पत्र जो जारी लिया जा रहा है उसके साथ साथ हमने जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं 144 आदेश है। आर्म्स जो है जो हमारा जिला में लगभग 20,000 से ज़्यादा आर्म्स है उसको जमा करने के भी आदेश दिए हैं। एक्साइज संबंधित भी कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। बॉन्ड ओवर का कार्रवाई वगैरह भी आदेश दिए हैं। सो उसके साथ साथ ये वाला कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ प्रचार प्रसार लोग आके इसको जो लोकतंत्र जो इसमें भाग लें उसके लिए प्रचार प्रसार संबंधित जो उसके लिए सेंस एक्टिविटीज है वो जनपद पंचायत ग्राम पंचायत जिला पंचायत के माध्यम से भी किया जा रहा है। सर आगामी चुनाव के चलते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें ये लोकतांत्रिक जो इस जो पंचायत चुनाव में सभी लोग आगे आके वोट करना है अपना मताधिकार को उपयोग करना है और ये पीसफुल इलेक्शन के रूप में रहना है कोई घटना घटित ना हो और पीसफुली फेयरली ये इलेक्शन कंडक्ट हो इसके लिए सभी लोग सहयोग करें। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।